यूँ तो बॉलीवुड के कई सितारों के बीच ऐसी दोस्ती बरकरार है जो सालों साल में चली आ रही है, जबकि उनकी दोस्ती में कई लोगों ने दरार डालने की भी कोशिश की, फिर भी आज वो साथ हैं और एक अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वहीं बॉलीवुड के 6 सितारों की दोस्ती में तो ऐसी फूट पैदा हो गई है कि आज उनके बीच दरार आ गई है, जो एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते हैं। पर वह क्यों, किस लिए और कौन कौन से वो सितारे, चलिए आपको उनसे मिलवाकर उनकी दोस्ती खराब होने का रीजन बताते हैं। नंबर 6, जया बच्चन और रेखा। वैसे तो एक्ट्रेस जया बच्चन और रेखा वो बेस्ट फ्रेंड्स थी जिन्होंने हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया था, पर अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर इनके बीच आज एक ऐसी दरार आ गई है कि अब इन दो सहेलियों का एक दूसरे से कोई नाता नहीं है। जी हाँ, जहाँ जया बच्चन आज अमिताभ बच्चन की वाइफ हैं, तो वहीं एक समय पहले रेखा भी उनकी दीवानी रही है, जिसके चलते इन दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। नंबर 5, करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन। अभिनेत्री करिश्मा कपूर और ऐश्वर्या राय बच्चन, इन दो सहेलियों के बीच कड़वाहट सिर्फ अभिषेक बच्चन की वजह से पैदा हुई है, क्योंकि जहां करिश्मा अभिषेक की एक्स रही है, तो वहीं ये सब जानते हुए भी आज ऐश ने उसकी जगह लेकर अभिषेक को करिश्मा से छीन लिया है। इस वजह से अब ये सहेलियां दोनों दूसरों की आंख में खटकती हैं। नंबर 4, न्यासा देवगन और सुहाना खान। बॉलीवुड की दो सबसे दमदार स्टार किड न्यासा देवगन और सुहाना खान की फ्रेंडशिप की मिसाल तो आज भी दी जाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के दिल के काफी करीब रही हैं। क्योंकि लेकिन अब ज्यादा से ज्यादा पॉपुलैरिटी बटोरने के चक्कर में इनके बीच इतनी दूरियां आ गई हैं कि अभी एक दूसरे को ही पसंद नहीं करती और एक दूसरे से काफी चलती हैं। नंबर 3, सलमान खान और संजय दत्त। यूँ तो बॉलीवुड के दमक सलमान खान और संजय दत्त एक दूसरे के वो जिगरी यार थे जो एक दूसरे की खुशी चाहते थे, लेकिन जब माधुरी दीक्षित के कहने पर भाईजान ने मुन्ना भाई को संजू मूवी करने से रोका था, तब से इनके बीच खटपट शुरू हुई है, जो एक दूसरे को अब भाव भी नहीं देते हैं। नंबर 2, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट। कभी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट आज एक दूसरे की वो दुश्मन बन गई हैं, जो एक दूसरे को नोच खाने को दौड़ती हैं, और इनके बीच के दरार सिर्फ और सिर्फ अभिनेता रणवीर कपूर की वजह से आई हैं, कि जहां आलिया आज उनकी वाइफ है, तो वहीं दीपिका उनकी एक्स रह चुकी हैं। नंबर 1, काजोल देवगन और करण जौहर। फेमस फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर की फेवरेट रही हैं काजोल, इसलिए इन्होंने काजोल के लिए कई फिल्में भी बनाई हैं, लेकिन अभिनेता अजय देवगन की वजह से आज इनके बीच दरार आ गई है, क्योंकि अजय और करण एक साथ अलग अलग फिल्म लेकर आए थे और एक ही डेट पर रिलीज की थी, जो कि क्रैश हो गई। तो दोस्तों, क्या किसी की वजह से इन सितारों को अपनी फ्रेंडशिप खराब करनी चाहिए थी? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।